उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 14 फरवरी की सुबह थाना मंझोला क्षेत्र में एक युवती का नग्न अवस्था में शव मिलने के मामले का पुलिस ने आज खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक टीचर की हत्या का आरोपी बिट्टू का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और टीचर उसकी पत्नी से जान पहचान के चलते मिलती जुलती थी। इसी के चलते उसने शराब पीकर टीचर को रास्ते से घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाकर सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ बुरा काम करने का प्रयास किया। जब टीचर ने इसका विरोध किया तो आरोपी बिट्टू ने टीचर की गला घोटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी के मुताबिक शव मंझोला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक टीचर का था। टीचर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने उनके घरों पर जाती थी और 13 फरवरी के रात भी 8 बजे टीचर ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसके परिचित बिट्टू ने उसे रोका और बाइक पर घर तक छोड़ने की बात कही। टीचर बिट्टू की पूर्व परिचित होने की वजह से उसके साथ अपने घर जाने के लिए बाइक पर बैठ गई। आरोपी युवक बिट्टू टीचर को बहाने से सुनसान वाले रास्ते से लेकर एक खाली प्लॉट में पहुंचा और वहां उसके साथ बलात्कार का प्रयास करने लगा। जब टीचर ने इसका विरोध किया तो उसने उसका गला दबाकर टीचर की हत्या कर दी और फरार हो गया। शव मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास चारों तरफ के रास्तों पर लगे 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने के बाद लाल मोटरसाइकिल पर जा रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को तलाश कर उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो पूरी घटना से पर्दा उठ गया। पकड़े गए युवक बिट्टू ने पुलिस को बताया कि वे थाना कटघर के पंडित नगला इलाके में रहने वाला है और उसने ही टीचर की हत्या की है। वो घटना वाले दिन शाम से ही शराब पी हुए था और रास्ते में उसे अचानक टीचर मिल गई। उसने टीचर से घर छोड़ने के बहाने से उसे बाइक पर बैठा लिया। रास्ते में उसका ध्यान भटका और उसने टीचर को खाली प्लॉट में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, लेकिन टीचर विरोध करने लगी तब उसने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिट्टू के ऊपर मुरादाबाद के कटघर थाने में 5 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। क्या नाम है? क्यों है? क्यों करे क्यों बताओ हत्या क्यों करी? अपना पक्ष रखो या बताओ क्यों करी थी? बताओ। लड़की से प्रेम करते थे तुम? लड़की से प्यार करते थे? थाना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली थी। मुकदमा उसमें तत्काल प्रभाव से दर्ज किया गया और जब ट्रेस किया गया तो वो महिला मझोला थाना क्षेत्र की ही निकली। मझोली के आसपास का इलाका था। पुलिस ने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो ढेर सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए जिसमें एक बाइक पर ये जाती हुई दिखी और लगातार उस बाइक को ट्रेस करते ही हम लोग जो घटनास्थल तक वहाँ तक पहुँचे और फिर जो इन्फॉर्मर हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान की गई जिसमें बिट्टू सागर का नाम प्रकाश में आया, उसको अरेस्ट किया गया और अभी पुलिस की गिरफ्त में है। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी आगे है उसमें ये प्रक्रिया अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर क्यों की गई थी महिला की मौत की? ये पहले से इन लोगों के आपसी संबंध थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, जान पहचान थी और उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई जिसमें लड़की ने भी इसको नोच लिया, कुछ आपसी कहा सुनी हुई एकाएक और उस चक्कर में इसने उसका मर्डर किया। और माना जाए लड़की ने विरोध किया था? बिल्कुल, विरोध के वहाँ निशान भी थे, विरोध किया भी था, इसके बॉडी पे भी निशान मिले हैं विरोध के। इसमें ऑलरेडी जो नाखून हैं महिला के वो लिए गए हैं, नाखून के सैंपल लिए गए हैं और DNA टेस्ट के लिए भी मैचिंग के लिए भेजा जाएगा क्योंकि ये प्रमाणित हो गया है कि इसके साथ छीना झपटी हुई थी जिसमें हो सकता है कि स्किन में DNA वगैरह के सैंपल मिले। अपराधी का इतिहास क्या है? ये अकेला है? ये लगभग इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं, पहले भी ये 376D में जेल जा चुका है। इसके अलावा लूट के कई इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। लड़का शादीशुदा है, पत्नी से पत्नी इसकी अलग रहती है, इन्हीं सब वजहों से पिछले 1.5 से 2 साल से इसके साथ नहीं रहती है, इनका लड़ाई भी चल रहा है। ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 10-12 के आसपास पढ़ाई इसने की है। जिस टीम ने खुलासा किया है कुछ उसको आप? इस टीम को अलग से 25,000 रुपये का कैश रिवार्ड दिया जा रहा है और जिसमें पब्लिक के लोगों ने सहायता की है उनको भी अलग से 25,000 रुपये का रिवार्ड उसमें 3 लोगों को दिया जा रहा है। माना जाए सर जो वीडियो वायरल की थी उसमें जनता ने भी सहयोग किया है सारी चीज़ों में? बिल्कुल, मैं पहले ही बताया कि इसमें पब्लिक का बहुत सहयोग रहा है, लेकिन लोगों ने अपना नाम नहीं बताया कि उनका नाम का कहीं खुलासा ना किया जाए, बट पब्लिक ने काफ़ी सपोर्ट किया।